क्योंकि मेरे जो मैं ज़्यादातर उस लिए हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ बिकॉज काफ़ी सारे व्यूअर ऐसे हैं जो MP राजस्थान के बहुत सारे ऐसे हैं जो हिंदी समझते हैं। तो गुजरात में एक ऐसा धाम है जो मोगल धाम जो कबराऊ में है, काठियावाड़ में बद्दे छकड़ा जा गया था तगड़ा बड़ा बोलू कहू कौन आ रहा है यार ફૂટનો કેટલો મોટો એરિયા છે પણ એ તો હારું છે એટલે આવી ગયો એટલે વળી ગયો આપણે કે મને ક્યાં અટવા તો ભાઈ ફાઇનલી બાઇક મને લગા દીએ ના હોય ને તો આજે એ લોકો લઈ જાય ને તો ના લઈ જાય તો સારી ઈચ્છા એ મુરાદ યહાં પે પૂરી હોતી તો ભાઈ છાસ બાપા दर्शन दीजिए और हमारे साथ है प्रीतेश भाई। तो चार जनों का हमारा ग्रुप और हमने एक बहुत सुंदर सी ट्रिप बना डाली आप बहुत सुंदर सी ट्रिप बना डाली। अब सुबह 4 बजे निकले थे माँ मोगल धाम कबराऊ जाने के लिए और 4 बजे करीबन निकल गए थे वहां से। उसके बाद हमने मिला भाई को कहां से उठाया प्रीतेश भाई? शेला से लिया और बीच में एक नाश्ता करने के लिए स्टॉपेज करा, पूरी थोड़ी डिटेल में बता देते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मंदिर में गए, वहां पे जरूर चढ़ाया। उसके बाद फाइनल एक पीछे थोड़ा सा डेस्टिनेशन छूट गया, वहां पे हमने हल्का फुल्का नाश्ता करा और अब ये यहाँ एरिया तो सूख गया प्रतीक भाई। फाइनली बाइक मैंने लगा दी है और आगे खड़ी है गाड़ी, तो फटाफट मैं जा रहा हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी में फुल टैंक करवाने के बाद हम लोगों की गाड़ी निकल पड़ी सानंद होके विरमगाम होके हम लोग निकल गए। रात का ये व्यू, ये हमारा पहला ब्रेकफास्ट, हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह किया। अभी आगे जाके आपसे सुंदर नज़ारों के साथ मिलते हैं। वही हुआ यू कि मॉर्निंग में मैंने सुबह में जल नहीं चढ़ाया था, तो मैंने सीलिंग को जल चढ़ाने के बाद सुबह ब्रेकफास्ट वाला मैंने खाया नहीं। यहाँ पे मैंने ढोकला वगैरह खाया, एक आध फोटो वगैरह हमें क्लिक किया और उसके बाद सुंदर सी ट्रिप के लिए आगे रवाना हो गया। फेक्टरी में जो तू ना मीठू तो ये करता हे बजे तो ये है बचाऊ हाईवे का नजारा और चारों तरफ भाई नमक ही नमक है, जहां भी देखो वहां नमक ही नमक है और नमक के ढेर पड़े, ऐसा लग रहा है जैसे रेती के ढेर पड़े हो ना, इस तरह से पूरा का पूरे नजारा है। आगे जाते हैं फिर आपको दर्शन भी करवाएंगे और आगे भी डिटेल शेयर करेंगे और हम लोग क्या क्या करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्गीकृत राजसी शाहनगर अदोई એટલે શું આ છે શું ખબર ના પડી કે કઈ કસે તો કે ગાડી ગાય ના ખાને હા ટેણિયા ને ગાય ગાને કોઈ આખું ખોદી નાખ્યું છે ખેડી ના આ ખેડી નહીં ને કે આ ખબર નહીં હું કર્યું છે ખેડી નહીં ને માટી એમ તો પણ છે અલ્યા
गाड़ी क्या जाए नहीं कर बात आती है तो हारू से एटले आई गयो एटले वळी गयो आपणे के मने क्या अटवा था ए तो आ छकड़ा छे एटले हैं बाकी बीजी कोई अहीं बधा आ छकड़ा चाले छे के काठियावाड़ मां बधे छकड़ा चाले था तगड़ा बना पेलो कहू एक सुंदर सी चीज ये देखी कि मेरे सामने जो ट्रेन देख रहे हो ना ये डबल डेकर है ये डब्बे के ऊपर डब्बा है तो ये थोड़ा सा अनोखा लग रहा है क्योंकि मैंने पहली बार देखा भूकंपनु सेंटर से भूकंप वक्त है भूकंप थियो से ने आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि राजस्थान में काफी सारे ऐसे गांव है जो पूरे पूरे खाली पड़े होते हैं एकदम खंडहर हालत में। इसी तरह से भुज में जब 2000 या 2001 में शायद मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं लेकिन भूकंप आया था यहां पे इतनी जान हानि हुई थी पूरे आप देखोगे मकान आज भी ऐसी स्थिति में पड़े हैं। ઉતારી દો તો બી ચાલે આપડે નાખતા જાય चलो भाई वो दोनों भाई केरी लेने के लिए जा रहे हैं। हाँ सुधो केरी नाम वाली कोई नहीं चलो भाई परी बेही जिए जा रहे पचाऊ में एक बहुत अच्छी चीज दी यहाँ पे जितने भी ये प्लेट देख रहे हो ये खजूरी बोलते हैं खजूरी अखारक जो भी बोलते हैं लेकिन इतना सारे प्लॉट है ये पूरे ड्रैगन फ्रूट का पूरा प्लॉट है कितना बड़ा प्लॉट है और जहाँ देखो वहाँ पानी भरा पड़ा वो ऐसा लग रहा है कुदरती हरी भरी चीजों से भरा एरिया है मजा आया काफी देख के। फाइनली आई तो गया चलिए आपको अंदर दर्शन वगैरह करवाते हैं और अंदर का जो है अंदर एक भी रुपया नहीं। तो ये देख लीजिए ये है माँ मुगल धाम का बाहर का दरबार का व्यू ये पूरा गेट है यहीं से आपको एंटर करना है इसके नीचे से और जो भी मन्नत मांगना चाहते हो वीडियो के थ्रू आप भी मांग सकते हो हर मुराद यहाँ पे पूरी होती है माँ के द्वार पे आके ये पूरा ही हुई है आपके सामने अन्नपूर्णा क्षेत्र है यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलता है आप ले सकते हो ये जो द्वार मेन द्वार देख रहे हो वहीं से आपको अंदर माँ के दर्शन के लिए आप जा सकते हो। इतनी भीड़ है आज संडे का टाइम है करिए आप दर्शन चाय का प्रसाद पी लेते हैं थोड़ा आम पानी नाख दो ना ના મને આપી દો વાંધો પાણી ખાલી થોડું બસ ઓકે લઈ લો હો થોડી કહો ઓકે બસ Thank you.
जो माँ मुगल धाम के जो बाप जी है, आज तक हमने उनको यूट्यूब में देखा है, वीडियोस में देखा है, आज रूबरू उनके दर्शन किए, माँ मुगल धाम के भी दर्शन किए। ये जो तीसरी बार चल रही है अंदर का नजारा, क्योंकि अंदर वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं है तो आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ। मंदिर के साइड वाले भाग में एक छोटा सा मार्केट जैसा बनाया हुआ, काफी सारी यहाँ पे दुकानें हैं, शॉपिंग वगैरह आप कर सकते हो। तो हमने थोड़ी सी मार्केट एक्सप्लोर करने निकले, देख ले क्या क्या चीज है, बस ऐसे ही टहल रहे, देखते हैं। तो फाइनली माता जी के दर्शन वगैरह हमने कर लिए, और अंदर जो दरबार है वहाँ पे फोटोग्राफी तो नहीं करते, धार्मिक स्थल है। तो अहमदाबाद में जो हम लोग मॉर्निंग में निकले थे, वहाँ से करीबन 4-5 घंटे का रास्ता हो गया, और उसके बाद वहाँ से बीच में एक दो जगह हमने स्टॉपेज करा, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करा, बाकी बहुत सुंदर नज़ारा है। इतनी वाड़ियाँ है, दाड़म हो गई, केरी है, काफ़ी सारे है, और ये पूरा मुगल धाम का नज़ारा। अभी मैं जस्ट दर्शन करके बाहर निकला हूँ, और ये पूरा पार्किंग एरिया है। मैं जस्ट वीडियो बनाने के लिए ही थोड़ा सा बाहर आया था, थोड़ा आगे जाके आपको दर्शन वगैरह बाहर से करवाता हूँ। पूरा यहाँ पे पार्किंग एरिया है, इस तरफ गाड़ियाँ वगैरह रख सकते हैं, और यहाँ पर भी गाड़ियाँ लोग रखते हैं। और हम लोग पीछे से रास्ते से आए थे, और यहाँ से भी एक रास्ता आता है, पीछे भी बहुत सुंदर है। तो फाइनली हम लोग करीबन 4-5 घंटे की मशक्कत के बाद मुगल धाम आ पहुँचे। मुगल धाम की महिमा ऐसी, यहाँ पे जो भी मन्नत मांगते हो, चाहे वो किसी का संतान प्राप्ति की इच्छा हो, किसी को बहुत रोग से ग्रसित हो, कोई भी हो, क्योंकि मेरे जो मैं ज़्यादातर उस लिए हिंदी में आपसे बात करता हूँ, बिकॉज काफ़ी सारे व्यूअर ऐसे हैं जो MP राजस्थान के, बहुत सारे ऐसे हैं जो हिंदी समझते हैं। तो गुजरात में एक ऐसा धाम है जो मुगल धाम, जो कबराऊ में है, बचाऊ के अंदर, तो बचाऊ के अंदर कबराऊ गांव में है, मुगल माँ का धाम है। यहाँ पे आप जो भी मनवांछित आपकी इच्छा हो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, तो सारी इच्छाएं मुरादें यहाँ पे पूरी होती है। तो एक बार आप ज़रूर विज़िट करिएगा। बाकी जो डिटेल्स है कैसे पहुँचना है वो आप गूगल कर सकते हैं। अहमदाबाद से अगर आना चाहते हैं, GSRTC आपके लिए 200-250 रुपए के अंदर आप आ सकते हैं बहुत आसानी से, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि अहमदाबाद से रेलवे स्टेशन है बचाऊ का रेलवे स्टेशन, वहाँ पे आप आ जाइए, वहाँ से 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पे मुगल धाम का धाम है। तो प्लीज़ आइए यहाँ पर, और अब चलते हैं। हमने ऐसा प्लान बनाया है, हमारे साथ ये प्रीतेश भाई, मिलाप भाई और प्रदीप भाई, तो हमने ऐसा प्लान बनाया है कि अभी हम यहाँ से निकलेंगे जैसल तोरल समाधि, उसके दर्शन करेंगे, फिर आपसे आगे डिटेल में बात करेंगे। माता जी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए हैं। अभी हमने ऐसा डिसाइड किया है कि पहले पेट पूजा करते हैं, तो बचाऊ रेलवे स्टेशन के सामने चैन भोजनालय है, और 130 रुपये में यहाँ पे भर पेट भोजन मिलता है, तो ये हमने ले लिया है पास, और चलो खाना खा के मिलते हैं आपसे। बचाऊ से करीबन 50 किलोमीटर की ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे जैसल तोरल समाधि के दर्शन करेंगे, सीधा वहीं पे मिलते हैं। फाइनली हम लोग आ पहुंचे अब मंदिर में। अब यहाँ पे जूते वगैरह निकाल देते हैं, फिर आपको मैं जैसल तोरल की समाधि जो है उनके दर्शन करवाता हूँ। बहुत खास महिमा है, काफ़ी सारी मान्यता है, सुना है समाधि मतलब खाली एक वेद का डिस्टेंस रहा है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ छोटा सा डिस्टेंस रहा है, ज़्यादा नहीं। यहाँ से ये पीछे का भाग है, मैं आगे जाके दिखाता हूँ। तो तोरी घोड़ीनी समाधि, अच्छा जैसल जाडेजा जो था
घोड़ा नहीं समाधि। तो ये जो समाधि स्थल है, बाजू में एक बरगद का अच्छा सा पेड़ है, यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, बैठते हैं। अब ये मैं पीछे से घूम के जा रहा हूँ यहाँ पे दर्शन करने के लिए। ये लोग बारी में जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से प्रॉपर देख सकते हैं जैसल और तोरल की ये जो समाधि है कितनी बहुत नज़दीक आके। पुराने आप फोटो देखोगे बहुत दूर तक डिस्टेंस है। देखिए आज तक तो हमने सुना, यहाँ पे देख भी लिया, जैसल खसे जव भर अने तोरल खसे तल भर, मतलब ये जव और तल ये दोनों का यहाँ पे लिखा हुआ है। कितनी समाधि कितनी डिस्टेंस खसती ये है उसका चित्र बनाया हुआ है। मद लोभ लालच मोह माया माथी सुधीर सेठ नो उद्धार करता सती तोरल अने पाप तारू प्रकाश चाड़े जा, बे व्यक्ति नो उद्धार करियो सती तोरल। जैसल पीर दादा ना काका ना भाई नी समाधि। ओके अंजार सिटी, अंजार એટલે અંજાર પ્રોપર માં છે, અંજાર માં છે, અંજાર ઓકે આ દે મોજડી માં બસ માંગ્યા એવું નહી, મોજડી થી અંદર જતું રહેવા, મોજડી બજાર છે પ્રિતેશભાઈ, હા અમે અંજાર માં બાંધણી નું છે, હેન્ડીક્રાફ્ટ મળે છે, દિલ્લી વાળો ભી એક ફેમસ છે, જૂતા અને મોજડી અને અહીંથી બહાર નીકળવું પડશે મારે, અને અંજાર થી ભી સીધું ડાયરેક્ટ જતું રહેવા, હા ભાઈ અહીંથી બહાર નીકળવું પડશે મારે, હું છું હા। तो भाई आपको जो हमने दर्शन करवाए वो जैसल जाडेजा की स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी या फिर बचपन में कहीं ना कहीं किसी ने पढ़ी होगी। तो क्यों कहवाये जो एक तलना एक दाना जेटलू खसे जे, तो जो जैसल और तोरल दोनों की जो समाधि है तो वो जाडेजा की समाधि हो, तीन तिल के जितना तिल होता है वो तिल के बराबर हर साल वो नजदीक में आती है, ऐसी मान्यता है जो हमने आपको दर्शन करवाए। क्योंकि गुजराती में कहवाए तो धरती नो काळो नाग एवं जैसल जाडेजा विषय कहवा, कारण के जैसल जैसल जाडेजा ए सौथी मोटो कुख्यात डाकू हतो कहेवामां आवे छे, बहु मोटो लूटारो हतो और एटला बधा पाप कर्या हता के जेने शक्य ज नतुं सुधारवुं, जे तोरल माना कहेवाथी जैसल जाडेजो सुधरी जाय छे अने परिवर्तन करीने दरिया किनारे जाय छे, દરિયામાં જયારે નાવડી હાલક ડોલક થવા માંડે છે ત્યારે તોરલ માતા એમનો બચાવે છે, આવી એક સ્ટોરી છે। બાકી જો ડિટેલ હે અગર આપ ચાહતે હો ઉસકી હિન્દી મે ભી થોડા સા બતાઉં તો વો ભી ડિટેલ્સ આપકે મે બતા દુંગા શેર કરકે। તો ભાઈ લોગ હમ લોગ અંજાર દર્શન કરકે નિકલ ગયે હે, અભી દાબેલી કી જગહ હી નહીં ખાને કી, એસા પ્રતિક ભાઈ બોલ રહે ઓર મિલા ભાઈ કો કચ્છ કી દાબેલી ખાની હે, ફેમસ દાબેલી। ઓકે टेम्परेचर कितलू होसे मिला भाई, 40 होसे, 45 डिग्री मोबाइल 40 से 41 बतावे है, 41 डिग्री अंजार का तापमान फिलहाल, संडे का टाइम नहीं ऊंचा लागे तो आपण जातो अंदर ट्रिप टू कच्छ अमनाट का तो ऊंचा लागे लागे। तो मुगल धाम ना दर्शन था, अबे अब दर्शन हमने किए जैसल तोरल समाधि के, आप कुछ कच्छी दाबेली की दर्शन की फिराक में है सब लोग, देखते हैं दर्शन होते हैं तो थोड़ा बहुत प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। हसे हसे यहाँ नू तापमान 800 मीटर से प्रतिदेश भाई बस तामन कहता है जाओ पुणे जाओ 24 घंटा। चलिए दोस्तों मैं ऐसा सोच रहा हूँ यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि वापस वही रास्ता है जो उस रास्ते से हम लोग वापस आए थे उसी रास्ते पे हमें वापस जाना है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। देख लो भाई ये नमक का पहाड़ है।